तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हो मारुति सुजुकी की बलिनो नेक्सा। ठीक है, तो इस कार में क्या चेंजेस करे गए हैं। इस कार में पहली वाली बलिनो थी उससे कस्टमर सेटिस्फाई ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है इस बार उन्होंने बिल्ड क्वालिटी में भी काम करा है और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 4 एयरबैग भी कार में दिए हैं। बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट ग्रिल के बारे में, तो आपको मिलता है सबसे पहले 360 डिग्री कैमरा प्लस ग्रिल में चेंजिंग और यहाँ पे सुजुकी का लोगो और यहाँ पे पूरी आपको क्रोम ग्रिल, उसके बाद नंबर प्लेट का ऑप्शन और ये जो आप लगा हुआ देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने एसेसरीज पार्ट लगा के रखा हुआ है, ये आपका चॉइस है लेना है कि नहीं। और यहाँ पे आपको मिलती है फॉग लैंप्स, बिट डीआरएस आपको 3 कट में मिलेंगे, प्रोजेक्टर, इंडिकेटर्स और 3 कट वाले आपके डीआरएस जो कि डे लाइट रनिंग लैंप्स बोले जाते हैं और बहुत ही अच्छी अपनी जब कार चलती है तो प्रोफाइल बहुत अच्छी देती है। और पूरा बोनेट है वो भी चेंज कर गया है, यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो ये पूरी आपको एक ब्रॉड स्ट्रीमिंग टाइप में दी गई है जिससे कि जो लुक है फ्रंट वो बहुत इनहेंस हुई है कहीं ना कहीं। और ये पेट्रोल वेरिएंट ही आ रहा है सारी मारुति की गाड़ी में, K15 सीरीज जो कि पहले डीजल में भी आता था ऑप्शन, अब केवल पेट्रोल में रह गया है बलिनो का 1200 सीसी के साथ। और जो इसका टॉर्क है अगर मैं बात करूँ तो आपको पूरा बताऊँ तो इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम पावर 6000 RPM पे 62 और मैक्सिमम टॉर्क 115 का टॉर्क है 4000 RPM पे। बात करते हो राइट साइड प्रोफाइलिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे एलॉय व्हील्स, अपोलो का टायर्स मिलेगा और आपको मिलेंगे ये R15 16 इंचेस की अलॉय जो कि XL6 में भी आते हैं, लेकिन उसकी अलॉय इसके अलॉय में बहुत लुकिंग में फ़र्क है, लेकिन ये भी डायमंड कट हैं वो भी। और आपको फ्रंट में मिलते हैं डिस्क ब्रेक और रियर में मिलेगा आपको ड्रम ब्रेक। बैक साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात करोगे तो पहले वाली बलिनो में इसमें चेंज करा गया है वो लाइटिंग, यहाँ पे थोड़ी एक्सटेंड करी गई है लाइट बैक लाइट और यहाँ पे आपको क्रोम ग्रिल विद कैमरा और 360 कैमरा के साथ कार में आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन, कार में रियर पार्किंग सेंसर्स 1, 2, 3, 4 सेफ्टी वाइज आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात अगर आप करोगे तो पूरी आपको क्रोम हैंडल्स मिल जाएंगे कार में, कीलेस एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप ओपन करोगे डोर तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर कार में मिलने वाली है, ये आपका हार्ड प्लास्टिक है पेंटेड, ये आपका लेदर है सॉफ्ट टच के साथ फील के साथ। ये आपकी प्यूरी पियानो 1 लीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। और तो अभी मैं चल रहा हूँ कार के इंटीरियर के पास, तो डोर की अगर क्वालिटी आप चेक करो तो डोर की क्वालिटी ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हैवी वेटेड डोर लग रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल लाइट से लग रहे हैं, लेकिन अब कंपनी क्लेम कर रही है। तो बात करते हैं अभी हम आपके, और अगर आप बात करते हो डोर पैनल के बारे में तो ये पूरा आपका ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको मिलते हैं आपको 4 पावर विंडोज, लॉक अनलॉक पावर विंडो अनलॉक और आपका ORVM कंट्रोल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपोनेंट का ऑप्शन, सेम डॉक्यूमेंट्स 1 लीटर की बोतल। अब बैठते हैं कार के अंदर और यहाँ आपको ये जैसे XL6 में मिलती है वेंटिलेटर सीट, उसका ऑप्शन इसमें नहीं है, 5 सीटर कार रहने वाली है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा इस कार में आपको चेंज मिलेगा तो डैशबोर्ड के इस वाले पार्ट में जो कि ये टॉप एंड वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसी की रहने वाली है, पहले की चेकआउट कर लो आप। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिस्प्ले है 9 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलेगी, वो भी एप्पल कार प्ले विद एंड्रॉयड ऑटो। एसी वेंट्स की अगर आवाज़ आ रही हो तो मैं पहले स्लो कर देता हूँ। तो सबसे अच्छा जो ये बटन्स हैं ये प्रीमियम फील आ रहे हैं पायलट वाली, जैसे कि देख रहे हो आपको बढ़ानी है तो ऐसे पुश अप करना है आप और नीचे, तो इसे अब आप फील करोगे तो आपको एक हेडसेट में बहुत अच्छा फील आ रहा है। बंद हो गई तो हेडसेट डिस्प्ले जब आप कार स्टार्ट करेंगे तभी निकलेगी और पूरा ये आपको चेक करा देता हूँ मैं। इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा प्रोजेक्टर लगा होता है और आपको पूरी बताती रहती है, नाइट में लो फ्यूल लिख के आ रहा है जो जो चीज़ें हैं, ये एक रेंज भी दिखाएगी जब आप चलाओगे कार को। ठीक है, तो पूरे आगे लिख के ये देख लो आराम से, इसमें लिख के आता है स्पीड 0, 20, 3, 45 टाइमिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम आपको बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल में क्या चेंज करा गया है। ये जो आपको पूरा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर निकल रहा है उसमें आपको RPM मीटर मिलेगा 8 तक, उसके बाद आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, MID सेम जो पहले आती थी वो मिलेगी, बट लाइटिंग और थोड़ी चेंज करी है। अगर मैं लाइट्स ओपन कर दूँ तो आपका ये फ्रंट से भी एक बार चेक कराता हूँ मैं आपको लाइटिंग सेटअप इसका LED वाला। फ्रंट से आप इसके DRLs भी चेक कर सकते हो, ये आप इसके DRLs वाइट। मुझे जो सबसे अच्छी लगी प्रोजेक्टर के साथ, इसमें प्रोजेक्टर LED DRL तो है हमारे, प्लस फॉग लैंप में भी LED है दोनों चीज़, और नाइट में जो इसका लुक है ना वो बहुत ही मस्त और पूरा विजिबिलिटी के साथ आने वाला है। आफ्टर मार्केट ऑप्शन जाने की जरूरत अब नहीं है। टेल लैंप ऐसे देखने को मिलेंगे। बूट स्पेस की बात करते हैं, अगर डिग्गी की आप वेट कर रहे तो एज सच बहुत भारी नहीं लग रही है, लेकिन ठीक है कंपनी क्लेम कर रही है। तो बूट स्पेस की बात करोगे तो 318 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको लाइटिंग मिलेगी रात के लिए और आपका स्पेयर भी मिल जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, जो कि एक हेल्पफुल रहता है और ऐसे ही दिया जाता है पहले की तरह, और कुछ नया चेंज करानी है पीछे। भाई डिक्की में तो इनने दो चेंज कर दिए, बस एक क्रोम ग्रिल दे दी, बलिनो की बेजिंग दे दी और ये लाइट को थोड़ा यहाँ पे एक अपग्रेड पार्ट कर दिया, और पीछे से सेम जैसे पहले आती थी वैसी अब है। और 318 लीटर का बूट स्पेस है, 37 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा BS6 के साथ क्रोम हैंडल्स, जो कि बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। और गेट की क्वालिटी अगर आप एक बात करोगे तो पूरी जो क्रोमिंग दी जा रही है वो कार की साइड प्रोफाइलिंग को एनहेंस कर रहा है। बात करते हैं हम रियर डोर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये आपका हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ठीक है, ये आपका पावर विंडोज़ मिलेंगी, ये आपके क्रोम हैंडल्स मिलेंगे, ये आपके लॉक अनलॉक का ऑप्शन पीछे आपको पूरा 5 सीटर में, ठीक है, जो कि बहुत ही स्मूथ और एडजस्टिंग है। पीछे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे दो पीछे, और पीछे आपका जो भी थाई मैं बैठ के दिखा रहा हूँ, जो 4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं बड़े बड़े, और पीछे अगर कोई छोटा चाइल्ड है तो 5 सीटर परफेक्ट रहने वाली है ये बलिनो। अब बात करते हैं स्पेसिस के बारे में, तो कार का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फीचर मुझे लगा है वो है फ्रंट, जो फ्रंट में डैशबोर्ड की लुकिंग आ रही है ना एसी वेंट्स के साथ, आपको एसी वेंट्स भी आपको अलग से और बेहतरीन से देखने को मिलेंगे। मतलब इनका जो लुक है वो बहुत ही अलग और बहुत प्रीमियम लग रहा है कि मारुति ने वर्क करा है। मैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा 5 गियर स्पीड का, जो पहले आता था वही सेम पेट्रोल K15 वाला, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा USB बॉक्स, ये आपके एसी वेंट्स हो गए, 9 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले, हेडसेट डिस्प्ले, ये आपका ऑटो डिमिंग ORVM, और ये आपका वैनिडिटी विद लाइटिंग, यहाँ पे आपको मिलेगी विद लाइटिंग ये भी सी, ये दोनों साइड आपको लाइटिंग साथ मिल रही है, ये आपकी रात में जलेंगी, ठीक है, पुश वाली रहने वाली हैं। सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है इस कार में आपको, और डैशबोर्ड की अगर क्वालिटी बात करेंगे तो फुल ऑफ प्लास्टिक है, और ये आपका थोड़ा सॉफ्ट टच, थोड़ा सा मतलब पेंटेड ही मान लो इसे, सॉफ्ट टच तो है नहीं, देखने में लग रहा है थोड़ा ब्लू भी इससे इसका मैचिंग करा दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार की स्टेयरिंग के बारे में, जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी की लगती है देखने में। यहाँ पे आपको पूरी डैशबोर्ड वाली फिनिशिंग मिलती हुई मिलेगी S6 के साथ। अब बात करते हैं हम कार के साउंड के बारे में, तो साउंड में आपको 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बात करते हैं हम कार के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, आर्मरेस्ट चेक करा देता हूँ, तो बहुत डिसेंट सा स्पेस है, डॉक्यूमेंट 1-2 रख सकते हो, मतलब की डाल दो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी एडजस्टेबल रहेगी सीट, आपका थाई सपोर्ट एडजस्ट हो जाएगा, और ये आपका मैन्युअली बैक सपोर्ट हो जाएगा, और ये आपकी यहाँ से आगे पीछे हो जाएगी, एक्सेलेरेटर क्लच ब्रेक, और यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत स्पेस रखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका रहेगा फ्यूल बॉक्स के लिए, ये आपका रहेगा बूट के, HUD का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, कैमरा व्यू, लाइट डिनिंग, और ये आपका ब्राइटनेस बढ़ाने घटाने के लिए, और जितनी भी डोर करेंगे वार्निंग देगा पूरा। तो मैं आपको शोरूम के सर से मिलवा देता हूँ। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सर मनीष है। हाँ जी, आप इस टाइम पर रोहन मोटर नेक्सा के अंदर है। तो सर आपका एड्रेस क्या रहने वाला है? रोहन मोटर नेक्सा आपका मेरठ रोड पर पड़ने वाला है, गाजियाबाद में, जो दिल्ली मेरठ रोड को कनेक्ट करता है। तो सर अपने एक बार फ़ोन नंबर बोल दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा सर का नंबर, अगर मनीष है, मनीष कुमार, और आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए 9358080806। ठीक है सर, इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशन है, एवरेज वाइज वगैरह क्या है इस कार में, एवरेज कितने का, मतलब 22 का आप बता रहे हो तो सर ये बात सच है कि के सीरीज इंजन है, और पहले से इस बार काफ़ी रिफाइन किया है, जिससे कि इसका एवरेज काफ़ी स्मूथ हुआ है। सर जो इसमें कंपनी क्लेम कर रही है एवरेज, बुक कितने का कर रही है? 22.65। तो अब कंपनी अगर इतने का कर रही है तो मेरे ख्याल से 20 का तो देनी ही चाहिए, 19 और 20 का तो भाई एवरेज मिलना चाहिए, तो पेट्रोल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही एवरेज दे रही है। तो अब देती है कि नहीं देती है वो रिव्यू कस्टमर्स का आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऐसा था इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन है देखने में, तो पूरा सर बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप क्या? 77 kg इस बार इस कार का वेट इंक्रीज किया गया है, पहले कंप्लेंट थी कस्टमर्स की लाइट वेट है। हाँ, पहले कंप्लेंट जो आती थी इसी को लेके आती थी कि भाई बलिनो की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा थर्ड क्वालिटी की है, लेकिन इस बार कितना केजी बढ़ाया गया सर? 77 kg 7 जो हमारे 6 डोर्स है तो बढ़ाया गया। 6 डोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, चारों गेट गाड़ी के गेट पीछे डिग्गी और बोनट, ये 6 गेट्स काउंट होते हैं। तो उन सब में केजेस बढ़ाया गया है जिससे कि थोड़ी बहुत इनहेंस हुई है, और 4 एयरबैग्स जो कि गवर्नमेंट के रूल आ चुके हैं उसके हिसाब से इसमें मिल रहे हैं कि नहीं? हमारी गाड़ियों से 6 एयरबैग्स हैं, ठीक है, अल्फा और जेटा के अंदर 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। इसमें कितने हैं सर? ये जो 6 एयरबैग्स हैं, मॉडल है अल्फा। अच्छा, टॉप एंड मॉडल के अंदर, और सर इससे जो लोअर है कौन सा नाम है उसका? जेटा आता है, उसके अंदर भी आपके 6 एयरबैग हैं, और सर उससे
फिर डेल्टा आता है उसमें आपको दो मिलते हैं, सिग्मा में दो, सिग्मा डेल्टा में दो और जेटा अल्फा में आपको छह एयरबैग मिलेंगे। सर इनकी प्राइसिंग की अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें, ऑन रोड तो क्या रहने वाली है? सिग्मा गाड़ी स्टार्ट होती है आपकी 7,63,000 रुपए से और ये ऑन रोड पर लाख बढ़ती चली जाती है पर मॉडल के हिसाब से। 7,63,000 आता है, फिर आपकी 8,65,000 आता है, फिर 9,63,000 आता है और फिर चला जाता है आपका 10,56,000। सर जिसकी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने का पड़ जाएगा कस्टमर? ये आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा सर 10,60,000 रुपए का ऑन रोड एसेसरीज में इंक्लूड है? इंक्लूडेड है। 10,60,000 का। तो अगर कोई भी प्लान कर रहा है बलिनों के लिए तो सर का नंबर नाम सब बता दिया है मैंने, सर को कॉल कर सकता है। तो सर वीडियो में हमने जो भी है सब दिखा दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। नहीं, तो करते हैं सर वीडियो को एंड। और कुछ सर आप कहना चाहेंगे वीडियो में? मैं ये कहना चाहूँगा भैया का चैनल है राइड विद देव, प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस वीडियो में। और मारुति नेक्सा से लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है, तो आप कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। XL6 की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है तो करते हैं इस वीडियो को एंड।